व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए, रोटी ही दिए, डब्बे में से निकाल के ले गए, गाय आई है रोटी देना, देओ, मना नहीं। बाकी के दिन आप, आपके बेटे से कहते हो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें, जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो तो घटकी जिभ्या से जप लो, नहीं जी जी वही उतना में पूरा हो जाए, वही बहुत। महाराज पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो, भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उसमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगल खोर भी बनाए और चुगल खोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम, रहे हो जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका दर्शन कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पर लिख दो कि चुगल चोर। फिर कहा जीव की हत्या ना करे। अगला नियम है अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है, जो एकादशी, एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है। रीसेल साड़ीज एंड अर्न प्रॉफिट्स अप टू 15,000 रुपीस एवरी वीक, गेट 30% ऑफ। और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है, इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए, वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया, महाराज शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी, झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों, उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी,